दोस्तों, अगर आप भी अमेजोन पे आईसीसी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इस वीडियो में आपको डिस्कस कर बताने वाला हूँ कैशबैक के बारे में, कि कैशबैक आपको कब मिलता है, कितना मिलता है, कितने दिनों में मिलता है, और जो कैशबैक आपको मिलता है कहाँ पे जाता है, उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीका से। तो इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे अमेजोन पे आईसीसी क्रेडिट कार्ड जब अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पे आपको लिख रहा होगा कि 5% कैशबैक का लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, वहां पे आपको दो कंडीशन है। कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आप एमेजोन का प्राइम मेंबरशिप लेते हैं तभी आपको 5% कैशबैक देखने को मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड, यानी जितना भी शॉपिंग करिए उसमें आपको 5% कैशबैक देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको 2% कैशबैक देखने को मिलेगा। यानी एमेजोन का जो प्राइम मेंबरशिप है अगर नहीं लेते हैं तो 2% आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। अगर आपको बात पता था तो ठीक है, जिनको पता नहीं था उनको मैं आपको बता दिया हूँ। तो जितना भी कैशबैक आपको देखने को मिलेगा, जिनका यहाँ पे प्राइम मेंबरशिप है उनको 5% कैशबैक देखने को मिलेगा, जिनके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है उनको 2% कैशबैक देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कैशबैक कब मिलता है, कितने दिनों में मिलता है और कहाँ जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो कैशबैक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो रिवॉर्ड पॉइंट में देखने को मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे है 1 रुपया, यानी आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है कैशबैक तो आपको 10 रुपया मिल जाएगा। यानी एक रिवार्ड का जो वैल्यू है वो 1 रुपया है, अगर 100 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं तो आपको 100 रुपया कैशबैक मिल जाएंगे। ये जो आपको कैशबैक मिलता है वो चला जाता है अमेजोन पे बैलेंस यानी वॉलेट में जाके ऐड हो जाता है, आपको कार्ड में देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत सारे जो कार्ड है जैसे कि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया, फ्लिपकार्ट, उसमें आपको कार्ड में जाके ऐड होता है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको अमेजोन का जो पे बैलेंस है यानी पे वॉलेट उसी में जाके ऐड होता है, उसी से जाके यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे स्टेप में कि यहाँ पे आपको कैशबैक कब मिलेगा। जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त, अगस्त में यहाँ पे आपने शॉपिंग किए, कोई भी यहाँ पे फ्लाइट टिकट बुक किए, कुछ भी यहाँ पे शॉपिंग किए, कहीं भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग यहाँ पे कर लिए, ठीक है, चाहे 12 तारीख करें, 10 तारीख करें, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए ताकि आपको समझ में इसी तरीका से यहाँ पे आ जाए बात के मतलब। यहाँ पर आप 10 तारीख के शॉपिंग करते हैं, ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड से उसको यहाँ पर बिल पेमेंट कर देते हैं या कोई से भी प्रोडक्ट मोबाइल या परचेज कर लेते हैं, आपको 5% कैशबैक देखने को मिलने वाला, और आप अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप लिए हुए हैं तो नहीं तो 2% कैशबैक देखने को मिलने वाला। आपने परचेज कर लिया, जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज करना था, जितना भी प्राइस का करना था, आपने कर लिया 10 अगस्त को, इसका जो कैशबैक आपको मिलेगा चाहे जितना मिले, 10 रुपया मिले, 50 रुपया मिले, 100 रुपया मिले या 200 मिले, ये आपको मिलेगा कब? अगस्त में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा सितंबर में। कितने तारीख को मिलेगा? 12 को भी मिल सकता है, 13 को भी मिल सकता है, 14 को भी मिल सकता है, यानी 13, 14 या 15 तारीख के बीच में आपके जो अमेजोन पे वॉलेट है यानी पे बैलेंस उसमें जाके आपका ऐड हो जाएगा और वहां से जाके उसको यूज आप कर सकते हैं। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कैशबैक कब मिलता है और कहाँ मिलता है, कितने दिनों मिलता है, आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। रिवॉर्ड पॉइंट है, आप देखिए रिवॉर्ड पॉइंट लिख रहा है ना, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाइट का टिकट मैंने बुक किया था, देखते हैं 295 रुपया मेरा कैशबैक मिला था, देखते हैं यहाँ पे 16। ये जो PDF है, PDF मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, ठीक ना, और नहीं तो अमेजोन पे जाइएगा तो वहाँ भी आपका शो होगा इस तरीके से। जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरा हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में, ठीक ना, तो इस तरीके से चेक करिएगा आपको पता लगेगा। देखिए कैशबैक 15 अगस्त को देखते हैं मेरे को मिला था 11 रुपया, यहाँ पे 16 कैशबैक देखते हैं ऐड हुआ था 11 रुपया, और यहाँ पे देखते हैं जितना भी यहाँ पे शो होगा पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखते हैं बिलिंग इस तरीका से शो होगा टोटल, यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट लिखेगा लेकिन 1 रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो होता है 1 रुपया, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, तो इस तरीका से आप चेक कर सकते हैं और जाके यहाँ पे कितना अमेजोन जो पे बैलेंस है यहाँ पे जाके ऐड इसमें यहाँ पे हो जाता है। उसको कैसे यूज करना है जो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जाके हम मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मोबाइल रिचार्ज, फ्लाइट टिकट, यूटिलिटी बिल पेमेंट हो गया, गैस पेमेंट का बिल पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे दे सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है आई बटन पर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, आपको देखने को मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे उसको यूज कर सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो को सिर्फ पूरा वॉच करिएगा, वो थर्ड पार्टी ऐप में उस वीडियो में नहीं बताया हूँ, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, बिल्कुल इस तरीका से जाकर उसको यूज आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, अभी भी इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं,
मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। रिप्लाई नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वहाँ भी न्यू न्यू अपडेट यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, कैशबैक के बारे में, बहुत सारे चीज़ वहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम भी जाकर वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ट्विटर भी कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। कैसा वीडियो लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।